हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छात्रावास प्रबंधन हॉस्टल मैनेजमेंट पर। हॉस्टल मैनेजमेंट पर कुछ चुनिंदा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छात्रावास या आश्रम प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अंतर्गत आता है? शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग? इसमें से कोई एक आपको बताना है, कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। ये जो छात्रावास आश्रम प्रबंधन प्रणाली है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास आश्रम की स्थापना की मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, छात्रों की रोजगार मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना, छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, उपयुक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा कि दूर दराज से जो गांव के लड़के आते हैं और बार बार जो शहर में जैसे कोई स्थान है, स्कूल है, पाठशाला है, वहां पढ़ना उनको आना है और पढ़ना है, तो चूंकि आवागमन की असुविधा और पर्याप्त रहने का आवास न होने के कारण वो अक्सर स्कूल छोड़ दिया करते थे। उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर छोट छात्रावास का प्रबंध किया है, ये ताकि अनुसूचित जाति के जो भी लड़के हैं, जाति जनजाति के जो भी लड़के, उनको छोड़ना ना पड़े इस प्रकार। तो ये सही आंसर इसका आएगा, छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह छात्रावास बनाया गया है। आपके पास क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में छात्रावास के कितने स्तर पर कार्यरत है ये आपको बताना है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर या चार स्तर। सही आंसर, छत्तीसगढ़ में छात्रावास के तीन स्तर आते हैं। पहले को हम आश्रम के नाम से जानते हैं, जहां पर छोटे बच्चे लोगों को आश्रम व्यवस्था किया गया है। दूसरा प्री मैट्रिक आता है, प्री मैट्रिक छात्रावास कहा जाता है, जिसमें थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं 10वीं क्लास तक का, ऐसे बच्चे लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। और फिर आता है पोस्ट मैट्रिक, जो बड़े बच्चे होते हैं 12वीं क्लास लास्ट वाले, तो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। तो तीन प्रकार के छात्रावास यहाँ पर विशेष करके प्रबंध है, एक आश्रम, एक प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छात्रावास आश्रम में अधीक्षक की भूमिका क्या होती है ये आपको बताना है। शिक्षक की, प्रशिक्षक की, माता पिता, सह अभिभावक की, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका सी आएगा, माता पिता सह अभिभावक की, जो अधीक्षक होगा हॉस्टल अधीक्षक उसकी भूमिका यहाँ पर निभानी होगी। छात्रावास प्रबंधन में निम्न से क्या शामिल है? प्रशासनिक प्रबंध, स्वास्थ्य एवं आपात प्रबंधन, मेष प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल रहता है कि छात्रावास में कौन आता है, कौन जाता है, नियम कानून इस प्रकार प्रशासन करना ही पड़ता है। स्वास्थ्य एवं आपात प्रबंधन भी होता है, स्वास्थ्य की देखरेख भी होता है, प्रत्येक बच्चे का पोषण उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेष में खाने भोजन का प्रबंध वहां पर रहता ही है, तो यहाँ पर सब होते हैं, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका आपका डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में छात्रावास का संचालन हेतु कौन सा नियम संचालित है ये आपको बताना है। छात्रावास संचालन नियम 2003-04, छात्रावास संचालन नियम 2010-11, छात्रावास संचालन नियम 2014-15 या छात्रावास संचालन नियम 2021-22। सही आंसर इसका सी आएगा, छात्रावास संचालन नियम, सॉरी सही आंसर इसमें बी आएगा, छात्रावास संचालन नियम 2010-11। वर्तमान में जो चल रहा है इसी नियम पर चल रहा है, छात्रावास संचालन नियम 2010-11, याद रखें 2010-11 के आधार पर संचालित हो रहा है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छात्रावास के विभिन्न समितियां जैसे प्रवेश समिति, निगरानी समिति, पालक समिति आदि का पदेन सचिव कौन होता है। पदेन सचिव मतलब होता है कि कोई चुनाव नाम नहीं, वो सचिव अपने आप बन जाता है। जैसे पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर पदेन का प्रयोग किया गया सचिव। ग्राम पंचायत सचिव, छात्रावास अधीक्षक, जिला का शिक्षा अधिकारी या सरपंच। सही आंसर इसमें भी आएगा छात्रावास अधीक्षक जो होता है, चाहे जितनी समिति बने, प्रवेश समिति, निगरानी समिति, पालक समिति, सबका पदेन सचिव होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता छात्रावास के प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आएगा। यहां पर नवीन छात्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, छात्रों के साथ मिलकर समिति आदि का निर्माण, मेष संचालन नीति, स्कूल का नियमानुसार निर्माण, पाठ्य विषय वस्तु का प्रकाशन। चूंकि छात्रावास है तो ये सारी चीज उनके प्रशासनिक में आते हैं। नवीन छात्रों का प्रवेश कैसे होगा, प्रक्रिया, छात्रों के साथ मिलकर समिति आदि का निर्माण की, मेष संचालन कैसे होगा, क्या होगा, खान पान की व्यवस्था, लेकिन पाठ्य विषय वस्तु से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो आंसर इसका डी आएगा, डी वाला ही आंसर आएगा, बाकी तो है प्रशासनिक प्रबंधन में। नेक्स्ट है छात्रावास प्रबंधन के अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता हेतु, नियमानुसार संचालन का प्रमाण हेतु, अभिलेख द्वारा भूत का ज्ञान हेतु, उपरोक्त सभी। तो अभिलेख जो रखा जाता है उसका संभाल के रखा जाता है, चाहे 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, जिसको उनको पारदर्शिता पता चलता है कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना आवा, कितना लड़के, कौन लड़के आए, कौन लड़के नहीं आए। निम्नानुसार संचालन का भी पता चलता है कि निम्नानुसार संचालन हो रहा है। अभिलेख द्वारा भूत का मैंने ब्रह्म अगर 2 साल पहले के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कौन लड़के थे, कौन गए, कितने कोई सब यहां पर जानते, इस भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है छात्रावास प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। नैतिक प्रबंधन, अभिलेखों का प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं आपात प्रबंधन या छात्र मनोरंजन प्रबंधन। क्योंकि छात्रावास प्रबंधन निम्न में से क्या शामिल नहीं है पूछा है, तो नैतिक प्रबंधन तो होता ही है, नैतिक दृष्टिकोण से उनको सद्भाव बनाए रखना या नैतिक जानकारी देना। अभिलेखों का भी बताया जा चुका, अभिलेखों का प्रबंधन तो होता ही है। स्वास्थ्य का आपात उपबंध भी यहाँ पर किया जाता है, स्वास्थ्य की रक्षा, उनका पोषण वोषण का। लेकिन ऐसा नहीं कि मनोरंजन, छात्र का मनोरंजन का प्रबंध करेगा, ऐसा छात्रावास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यह आंसर सही आंसर डी आएगा कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ये वाला डी वाला आंसर छात्र मनोरंजन का प्रबंध। छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत अधोसंरचना प्रबंधन में क्या शामिल है। भवन, शौचालय, विद्युत और जल का प्रबंध, खान पान का प्रबंध एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं आपात प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो यहां पर अधोसंरचना की बात किया जाए, प्रशासनिक संरचना होता है, अधोसंरचना होता है और भी आपात संरचना होता है। तो यहां पर अधोसंरचना की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत भवन जो मेन है, जो अधोसंरचना जो आधार है, भवन बिना कहां से चलाओगे भाई छात्रावास। शौचालय होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, जल, ये मेन आधार है, भवन, शौचालय, विद्युत और जल। तो अधोसंरचना में यही शामिल होता है, भवन, शौचालय, विद्युत और जल का प्रबंधन। खान पान प्रबंध, संचालन, स्वच्छता, ये तो मेष में आ जाता है, मेष संचालन है, स्वास्थ्य में आ जाता है, वो दूसरे में आ जाता है। तो इसमें आपको ये वाला याद रखना है कि ये अधोसंरचना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है बच्चों द्वारा अवांछित कार्य करने पर, नियम विरुद्ध कार्य करने पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा क्रमशः क्या कार्य किया जाना चाहिए। बच्चों को समझाना, बच्चों के पालकों को सूचित करना, बच्चों को निगरानी समिति को सौंपना, बच्चों को निष्कासित करना। इसमें से आपको बताना है कि क्रम जमाना है 2 1 4 3, 1 2 3 4, 2 1 3 4 या 4 3 2 1। सबसे पहले अगर बच्चा अवांछित कार्य करता है, नियम विरुद्ध कार्य करता है, तो सबसे पहले जो हॉस्टल अधीक्षक बच्चों को समझाएगा, इसके बाद बच्चों के पालकों को सूचित करेगा, इसके बाद बच्चों के निगरानी समिति को सौंपेगा, तो नहीं मानता तो बच्चों को निष्कासित कर सकता। मतलब इसका आंसर आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये आपको बताना है कि छात्रावास के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। लाभ अधिकतम करना, एक पोषणकारी और सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का कार्यभार
बढ़ाना या यातनाओं उत्पीड़न को बढ़ावा देना। तो इसमें आपका आंसर ये वाला तो आएगा ही नहीं कि यातना, इसके तो होता ही नहीं भाई, छात्रावास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो एक लाभ अधिकतम करना, एक पोषणकारी, सही आंसर इसका भी आएगा, एक पोषणकारी सुरक्षात्मक वातावरण सुरक्षित करना बच्चों लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं छात्रों की है, पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता मार्गदर्शक की है, भोजन समिति की है या अनुरक्षण कर्मचारी वर्ग की? सही आंसर बी आएगा, पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता मार्गदर्शक की होती है छात्रावास की स्वच्छता एवं साफ सफाई निगरानी रखने की जिम्मेदारी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त स्वतंत्र छात्रावासों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसे निर्धारित की जाती है? उपर्युक्त सरकार द्वारा भी द्वारा बी निर्दिष्ट होना था, बी निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर, जैसे कि केंद्र राज्य सरकार की योजना द्वारा निर्धारित है, बाल कल्याण समिति की सहमति से। सही आंसर तो ये इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, कि सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त स्वतंत्र छात्रावासों के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो निर्धारित होती है उपर्युक्त सरकार द्वारा भी निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, जो राज्य सरकार होगा अपना मानदंड निर्धारित करेगा वो उसी के आधार पर संचालित होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।